हेलो एवरीवन वेलकम टू एसी प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग लेके आए हैं अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज एमसीक्यू व्हिच इज गोइंग टू बी मोर यूजफुल इन वेरियस एग्जाम इन सेक्शन ऑफ नॉन टेक यानी नॉन टेक सेक्शन में जहां भी जनरल स्टडी जी के क्वेश्चन आते हैं वहां पर मॉडर्न हिस्ट्री की ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाली है सो लेट्स हैव द डिस्कशन फर्स्ट वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रीटी साइंड विथ ब्रिटिश इज करेक्टली मैचड इनमें से ऐसी कौन सी ट्रीटी है जो ब्रिटिश पीरियड के दौरान साइन की गई और वो है एक दूसरे के साथ ठीक से मैच है मतलब तो तो कौन सी ट्रीटी का जो पेयर है वो ठीक से मैच किया गया है चलिए समझते हैं पहला है रघुनाथ राव के साथ हुई ट्रीटी ऑफ पुरंदर एक्चुअली मैं रघुनाथ राव के साथ ट्रीटी ऑफ सूरत असाइन हुई थी सूरत साइन हुई थी जिसको ब्रिटिशर्स ने माना नहीं था तो ये क्वेश्चन गलत हो गया इसके बाद टी टी ऑफ परंदर साइन हुई थी माधव राव के सेकंड के साथ माधव राव सेकंड के साथ तो टी टी ऑफ परंदर इनके साथ साइन हुई थी रघुनाथ राव के साथ, साथ। तो ट्री ऑफ सूरत साइन हुई थी तो दोनों ही ये गलत हैं दोनों ही ट्रीटी ठीक से मैच नहीं है भोंसले जो मराठे थे उन्होंने ट्रीटी ऑफ देवगांव साइन की थी एटीन में दैट इज़ द करेक्ट सिंधिया असाइन द ट्रीटी ऑफ बसीन नहीं ट्रीटी ऑफ बसीन को साइन किया था पेशवाओं के साथ नॉट सिंधियाओं के साथ इसको पेशवाओं के साथ साइन किया गया था तो इसका सही आंसर होगा सी भोसले द ट्रीटी ऑफ देवगांव यहां पर मॉडर्न हिस्ट्री में आपने देखा होगा हम लोगों ने ट्रीटीज पढ़ी थी कि किसने किसके साथ कौन सी ट्रीटी साइन की उसी में से ये क्वेश्चन पूछा गया है लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द ड एस्टेब्लिस्ड देर ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया डच जो यूरोपियन कंपनी थी उसने भारत में अपने ट्रेडिंग सेंटर कहाँ कहां पर सेटअप किए दैट इज आस्कड इन द क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले पहले देख लेते हैं कि प्लेस कहां पर है नागपट्टम नागपट्टम आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु में है चिंसुरा चिंसुरा दैट इज इन वेस्ट बेंगाल मछलीपट्टम दैट इज इन आंध्र प्रदेश दैट इज इन आंध्र प्रदेश सूरत भरोच ये दोनों ही गुजरात में है आगरा यूपी में है कोचीन केरला में है अहमदाबाद गुजरात में है पटना बिहार में है और इन सभी जगहों पर डचेज ने अपनी कंपनियां सेटअप की थी इन सभी जगहों पर डचेज ने अपनी कंपनियां सेटअप की थी और शुरुआत की थी सूरत से है ना और इन सभी जगहों पर डचेस जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन सब ने अपनी अपनी इतनी सारी इसको कंपनियों का मतलब है ट्रेड सेंटर्स बना रखे थे जहां से वो ट्रेड एक्टिविटीज कंट्रोल करते थे नेक्स्ट वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बाज द एम्प्रायर ऑफ इंडिया वेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्मड इन लंडन जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई तो उस समय भारत में शासक कौन था तो आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1599 में और 1599 में जो इंग्लैंड था जो यूएस था वहां के एलिजाबेथ फर्स्ट एलिजाबेथ फर्स्ट इनके टाइम पर हुई थी एट दैट टाइम इंडिया में अगर हम रूलर की बात करेंगे तो वहां पे था ग्रेट अकबर क्योंकि अकबर का टेन्यूअर है 15 56 टू 1605 तो ये डेट अकबर के टेन्यूर के बीच में मैच होती है इसका मतलब है कि जब अकबर इंडिया में रूलर था उस समय इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो करेक्ट आंसर इस अकबर अकबर तो ये बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई तो उस समय इंडिया में एंप्रायर कौन था तो वो अकबर था नेक्स्ट एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड द पॉर्चुगीज बुल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस इनमें कौन सी जगह पर पुर्तगालियों ने अपना पहला किला बनाया या पहला किलेबंदी की जहाँ पर उन्होंने सबसे पहले पॉर्चुगीज कैम इन इंडिया इन 1492, 1498 टू फोरटीन कैम इन इंडिया इन 1498 फर्स्ट ऑफ ऑल इन केरला एंड बास्को डेगामा वाजा फर्स्ट वन एंड हु डेवलप्ड ट्रेड सेंटर इन द स्टेट ऑफ केरला कोचीन दक्षिण भारत के कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी सबसे पहली कोठी बनाई कोठी यानी ट्रेड सेंटर बनाया और उसी ट्रेड सेंटर को अपनी कैपिटल भी बनाया उसके बाद इस कैपिटल को कोचीन से गोवा शिफ्ट किया गया पुर्तगालियों की पॉर्चुगीज की इंडिया में पहली कैपिटल कोचीन थी और सेकेंड कैपिटल बनी थी गोवा ठीक है तो उसका सही आंसर होगा कोचीन बाज द सिटी वेयर आर पोर्चुगीज फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप्ड देयर फोर्ट्रेस फोर्टरेस उन्होंने किलेबंदी शुरू की नेक्स्ट वन फॉलोइ बाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कैर्नाटिक वॉर फर्स्ट कैर्नाटिक वॉर देखिए एंग्लो फ्रेंच राइवलरी बहुत दिनों से चली आ रही थी यह इमीडिएट कॉज नहीं हो सकता दैट वॉज वन ऑफ कॉज यानी फ्रांसिसियों और अंग्रेजों के बीच में जो संघर्ष था वो तो बहुत पहले से चला रहा था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेसन ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेसन यूरोप में ऑस्ट्रिया का जो सक्सेसर जो होने वाला था उसको लेकर के फ्रेंच और इंग्लैंड के बीच में राइवलरी चल रही थी तो यह बात सही है कि इसके कारण ही फर्स्ट वॉर ऑफ कर्नाटक हुआ इसके कारण ही फर्स्ट वॉर ऑफ कर्नाटक हुआ लेकिन यह इमीडिएट कॉज नहीं था इमीडिएट कॉज था इश्यू ऑफ कर्नाटक सक्सेसन ये भी इमीडिएट कॉज नहीं था लेकिन यह सभी कॉज थे कैप्चर ऑफ फ्रेंच सिप्स बाय द ब्रिटिशर्स अंग्रेजों ने मद्रास के पास फ्रांसीसियों के सिप्स को कैप्चर कर लिया यह था इमीडिएट कॉज सो फ्रेंच हैड टू फ्रेंच हैड टू स्टार्ट द वॉर विथ ब्रिटिशर्स उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ लड़ना पड़ा और उस समय जो फ्रेंच गवर्नर था उसका नाम था ड्यूपले एंड ड्यूपले सक्सेसफुली डिफीटेड ब्रिटिशर्स इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट कर्नाटिक वॉर सो ही वॉज इन अपर एज बहुत सफल हुआ युद्ध में और यही एक बड़ा कारण था इसके इमीडिएट कॉज के रूप में तो ये सभी कॉज हैं लेकिन इमीडिएट कॉज नहीं है इमीडिएट कॉज जस्ट आफ्टर दैट द वॉर बिगिंस दैट वाज द कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप बाय द ब्रिटिशर्स तो दिस वाज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के रहस्य क्या थे पहला है एबसेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया देखिए पहला एक तो ये है दूसरा था कंपनी आर्मी रिसीव्ड वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड दे हैड मॉडर्न आर्म्स मुझे लग रहा है ये बहुत सही है क्योंकि इंडिया में कभी भी ट्रेंड और डिफाइंड आर्मी नहीं होती थी जो वेल well ट्रेंड होती थी इंडियन सोल्जर्स हैड लैकनेस ऑफ फेडिलिटी कॉन्सेंटी हु प्लेड दैम सफिशियंट हैव देम ऑन हिज सर्विस ये बिल्कुल सही बात है ऑल above थ्री ये सभी ऐसे कारण थे देखिए कोई कंपनी अगर यहाँ पर आई है और वो सक्सेसफुली बहुत लंबे समय तक यहाँ पर रूल कर रही है इसका मतलब वह कई मायनों में उससे बेटर होगी जहाँ पर वह शासन कर रही है तो उसके लिए कोई कोई एक कॉज रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता कोई एक रहस्य नहीं हो सकता इन मैनी वेज द ब्रिटिश कंपनी ब्रिटिश कंपनी हैड अपर एज कंपेयर टू इंडियंस एंड इंडियन रूलर्स दैट इज वाई दे कुड रूल फॉर मोर टाइम इसलिए वो यहां पर बहुत लंबे समय तक शासन कर पाए तो सही आंसर होगा इसका ऑल एब थ्री नेक्स्ट वन अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बेंगाल द वन एस्टेब्लिश्ड बाय द वाज बंगाल में इतने सारे जो स्ट्रेट सेंटर्स बनाए गए उसमें पोर्चुगीज ने अपना सेंटर कहां पर बनाया गया दैट वाज इन हुगली जैसे आपने अभी देखा होगा कि ये चिंसुरा बंडेल एंड श्रीरामपुर ये डचेस के पास थे और उनके पास थे बेटेसर्स के पास और ये हुगली ऐसा था जो पॉर्चुगीज के पास था जिन्होंने बंगाल में अपनी सबसे पहला जो ट्रेड सेंटर है वो हुगली में ही सेटअप किया पॉर्चुगीज ने हुगली दैट इज इन वेस्ट बंगाल नेक्स्ट हु वाज द फर्स्ट पॉर्चुगीज वायसराय इन इंडिया द फर्स्ट पॉर्चुगीज वायसराय इन इंडिया वाज फ्रांसिस डी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इसका पूरा नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा एंड हिज टेन्य वाज 1505 टू 1509 1505 से 1509 तक यह पॉर्चुगेज गवर्नर इंडिया में रहा और इसके बाद बनाया था अलबू को उसके बाद अल्बू को बनाया गया था और अल्बू का पीरियड 1509 से 1515 तक रहा था ये सबसे ज़्यादा पावरफुल था मोस्ट पावरफुल और इसकी डेथ गोवा में हुई थी जहां पर इसको बरीट किया गया गोवा में ही इसको दफना दिया था अल्बुकुर को लेकिन पहला गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मेडा था ये वो था जो सबसे पहले इंडिया आया था फर्स्ट टू कम इंडिया ये भारत आने वाला पहला पोर्चुगीज था एंड कंप्लीटली ऑल यूरोपियन में से पहला ट्रेडर था जो इंडिया आया था 1492 में केरला में नेक्स्ट वन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल विच रीजन ऑफ इंडिया वाज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम ओपियम यानी कि भांग जिसके बाद ऐसे उससे अफीम भी की जाती है तो इसका उत्पादन ब्रिटिश पीरियड में सबसे ज्यादा किस रीजन में होता था तो उस समय का सबसे बड़ा जो ओपियम प्रोडक्शन एरिया था उसका नाम था बिहार बिहार में ब्रिटिशर्स ने सबसे ज़्यादा इसको प्रोडक्शन इसके अलावा वो चाइना में भी बहुत होता था अफीम चाइना आपको याद होगा चाइना के साथ एक अफीम वॉर भी हुआ था तो चाइना के साथ अफीम वॉर हुआ था ब्रिटिश कंपनी का और इंडिया में ये सब प्रोड्यूस करते थे बिहार में आज भी आप जाएंगे तो नॉर्दर्न सॉरी ईस्टर्न जो उत्तर प्रदेश है गाजीपुर और बिहार के आसपास का जो रीजन है वहां आज भी ये सबसे ज्यादा पैदा होता है गवर्नमेंट उसको लाइसेंस देके करवाती है नेक्स्ट वन वन ऑफ ऑफ द द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनीज गॉट फर्स्ट चार्टर परमिटिंग देम टू ट्रेड इन इंडिया बताइए कौन सी कंपनी को सबसे पहले चार्टर दिया गया था याद करिए लेवेंट कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडियन कंपनी और ऑस्ट्रियन कंपनी तो पहला चार्टर मिला था लेवेंट कंपनी को 1592 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था 1599 में तो पहली कंपनी कौन सी होगी लेवेंट कंपनी दोनों को ही एलिजाबेथ ने दिया था एक लाइसेंस इंडिया में ट्रेड करने के लिए एक लेटर रॉयल चार्टर दिया था बीच यार वास्को डेगा अराइव एट कैलकाटा कैलकाटा में वास्कोडेगा फोर्टीन नाइनटी एट में आया और यह आया था कालीकट केरला वेयर ही वॉज वेलकम्ड बाय किंग जमोरिन जहां इसको राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया इट नाइनटी तो 1498 में आया नेक्स्ट वन द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स पावर एंटर इंडियन ट्रेड एट वन टाइम और द अदर सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एंट्री किस किस प्रकार से कंपनियां इंडिया में कब कब आई इन सब के बारे में पूछा गया है तो आपको पता है कि ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया बाय सिक्सटीन हंड्रेड uh, और सिक्सटीन फिफ्टीन ये सबसे पहले डचेस इन सिक्सटीन जीरो टू फ्रेंच सिक्सटीन सिक्सटी फाइव पॉर्चुगीज फोर्टीन नाइन्टी एट अब इसमें पूछा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले तो पॉर्चुगीज ही होंगे तो पहला होगा फोर क्रोनोलॉजी में और दूसरे नंबर पर होगा डचेस उसके बाद आएंगे डचेस यानी कि टू और उसके बाद आएंगे इंग्लिश यानी कि वन और उसके बाद आएंगे फ्रेंच यानी कि थ्री तो फोर टू वन थ्री दैट विल बी द करेक्ट ऑर्डर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टू बी सेटअप इन कंपनीज इन इंडिया इंडिया में जो कंपनीज आई नेक्स्ट वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर फ्रेंच फेल्यूअर टू एस्टेब्लिश पावर इन इंडिया मतलब ये कौन सा कारण है इसमें कौन सा कारण नहीं है जिससे भारत में फ्रेंच पावर धीरे धीरे करके डिमिनिश हो गई या खत्म हो गई इसमें से कौन सा कारण नहीं है तो नॉट को आप ध्यान से देखिएगा इसमें नॉट देखना है हमको द इंग्लिश हैड ए नेवी ये तो था इससे तो वो गई थे इंग्लैंड के पास स्ट्रॉन्ग थी इसलिए फ्रेंच उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे डुप्ले डुप्ले वाज नॉट ए कैपेबल लीडर ये स्टेटमेंट गलत है मैंने अभी भी आपको बताया था कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में डुप्ले प्लेड वेरी एक्सलेंट रोल फॉर फ्रेंच कंपनीज उसने फ्रेंच कंपनी के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले किया एंड ही प्रूव हिमसेल्फ एज ए बेस्ट कमांडर एंड द बेस्ट गवर्नर इन इन पॉर्चुग फॉर पोर्चुगीज सो ये स्टेटमेंट गलत होगा ये सही नहीं है नेक्स्ट स्टेटमेंट फ्रेंच यूज मोस्ट ऑफ देयर एनर्जी इन यूरोपियन वार्स टू एक्सपेंड देयर टेरिटरीज बिल्कुल सही है ये तो था ही उनका कारण फ्रेंच गवर्नमेंट वाज हेडेड बाय वीक मोनार्की यस फ्रांस में राजाओं की जो पावर थी वो कम होने लगी थी इसलिए फ्रेंच कंपनी इंडिया में भी कमजोर होने लगी थी वीक पड़ने लगी थी तो इसमें हम किसी भी कीमत पर डुपले को कमजोर रूलर्स वीक रूलर नहीं कह सकते हैं या वीक कैपेबल लीडर नहीं कह सकते हैं उसको तो, ठीक है तो ये स्टेटमेंट सही है और ये, ये इसका कारण नहीं था बाकी सब कारण थे फ्रेंच के यहाँ पर डिक्लाइन होने के लिए नेक्स्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्पायर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया देखिए जब कंपनी बनी यहां पर इंग्लैंड में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया गया तब यहां पर रूलर थे अकबर ये हम लोग अभी डिस्कस किए हैं और जब कंपनी यहां पर आई उस समय रूलर्स थे जहांगीर ठीक है जहांगीर के कोर्ट में 1609 और 1615 में जाकर के इनको ट्रेड करने की परमिशन मिली तो उस समय एक ही रूलर थे जिनका नाम था जहांगीर जहांगीर का रूलिंग पीरियड है 1605 टू 1627 ठीक है अकबर का रूलिंग पीरियड है 1556 टू 1605 जीरो फाइव शाहजहां का है 1627 ट्वेंटी सेवन टू सिक्सटीन फिफ्टी और औरंगजेब का है 1658 फिफ्टी एट टू सेवनटीन तो इनके शासन काल के दौरान जो भी घटनाएं हुई थी वो हमको पता होना चाहिए कि किस समय पर कौन सी घटना हुई और उस समय रूलर कौन था इंडिया में ठीक है ये सब मुगल रूलर है नेक्स्ट द फ्रेंच फेल टू एस्टेब्लिश पावर इन डेक्कन बिकॉज दक्षिण में कभी भी दक्कन में ये लोग फ्रेंच अपनी पावर को कभी भी क्यों नहीं बना पाए डुपलेबाज नॉट ए कैपेबल जनरल ये तो हो ही नहीं सकता जैसे अपन लोग पहले भी देख चुके हैं तो ये उसका आंसर नहीं हो सकता द इंग्लिश हैड ए स्ट्रोंग आर्मी द फ्रेंच वर नॉट लाइक्ड बाय द इंडियंस ये भी गलत है ऐसा तो हो ही नहीं सकता सबसे ज़्यादा फ्रेंच के साथ जो अच्छे फैमिली रिलेशन थे वो थे आ, इसके किंगडम के जो साउथ में मैसूर किंगडम था वहाँ के हैदर अली टीपू सुल्तान वाज नॉट ए स्ट्रेटेजिक सेंटर ये भी ठीक है इंग्लिश हैड द स्ट्रोंग आर्मी साउथ में उनके पास स्ट्रोंग आर्मी थी इसे, क्योंकि मद्रास के आसपास अंग्रेजों के पास बहुत अच्छा पैसेज था ब्रिटिशर्स के पास तो वो वहां पर किसी और यूरोपियन पावर को सरवाइव करने नहीं देते थे यही एक कारण था कि फ्रेंच कभी डेक्कन के रीजन में सफल नहीं हो पाए नेक्स्ट द फर्स्ट टू स्टार्ट ए ज्वाइंट स्टॉक स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विथ इंडियन वर्दा इनमें से कौन सी यूरोपियन कंपनी ने पहली बार भारत के साथ मिलकर के व्यापार करना शुरू किया था तो दैट वर डचेस वर ओनली फॉर स्पाइसिस ट्रेड ट्रेड एंड दे ऑप्टेड इंडियंस एज देअर पार्टनर उन्होंने भारतीय लोगों के साथ मिलकर के व्यापार करना शुरू किया केवल डचेज ने है ना ड मसालों का ट्रेड करते थे साउथ इंडिया में नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ सिंध एनेक्सेशन सिंध एनेक्सेशन हुआ था सिंध को ब्रिटिशर्स ने लिया था एटीन में और बरो का पीरियड है 1842 से 1844 ये इसका पीरियड है मियो का पीरियड है 1869 से 1872 ऑकलैंड एक्चुअली में गवर्नर जनरल नहीं थे गवर्नर जनरल को चार्ज दिया गया था 1856 के और डलहौजी थे 1848 से 1856 ये सारे गवर्नर जनरल थे इसमें याद ये रखना है कि जो मियो है इन मेयो को 1872 में अंडमान में जब अंडमान में विजिट करने के लिए गए थे अंडमान में तो वहां पर शेर अली अफरीदी ने असिस्नेट कर दिया था इन्होंने उनको मार दिया था ठीक है तो ये पूछा अगर इसमें से क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल है जिसकी उसके ऑफिस में यानी कि उसके टेन्यूर में ही उसको असिस्नेट कर दिया गया या मार दिया गया तो वो है लॉर्ड मेयो और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि लॉर्ड मेयो की डेथ कहां हुई तो अंडमान निकोबार में हुई ठीक है चाकू मार करके इनकी हत्या की गई थी लॉर्ड मेयो की शेर अली अफरी ने इसको किया था एटीन सेवनटी टू में नेक्स्ट द ग्रेटेस्ट पॉर्चुगीज गवर्नर हु लेड द रियल फाउंडेशन ऑफ पॉर्चुगीज पावर इन इंडिया मैंने आपको याद होगा जब पॉर्चुगीज बताया था तो अभी डिस्कस किया था कि पॉर्चुगीज में पहला जो गवर्नर था वो थे 1505 से 1509 तक अल्मेडा और उसके बाद 1509 से 1515 तक बनने वाले सबसे पावरफुल गवर्नर थे जिनका नाम था अल्बू कर्क तो इसमें से सही आंसर क्या होगा अल्बू कर्क फिफ्टीन जीरो नाइन सो फिफ्टीन फिफ्टीन डाइड एट गोवा गोवा में उनकी डेथ हुई उन्होंने ही इसके गोवा पे गोवा के लिए कोचिन से जो कैपिटल है पोर्चुगीज़ की उसको शिफ्ट कर लिया था कोचिन से गोवा नेक्स्ट हु फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड एंड इंप्लीमेंटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स यानी हड़प नीति इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई थी लॉर्ड डलहौजी ने इसको शुरू किया था 1848 में और जब तक वो रहे 1856 तक तब तक ये नीति चलती रही अगर आप देखेंगे तो इस नीति में सबसे पहले 1848 में सतारा को हड़प लिया गया पहला सतारा को हड़पा गया वहां पर ठीक है इस नीति में और सबसे आखिरी में अवध को 1856 में यहां पर हड़प लिया गया सबसे लास्ट में आकर के इसके अलावा सतारा जैतपुर संबलपुर झांसी करौली करौली को 1855 में हड़प लिया गया तो इन सब को डलौजी ने धीरे धीरे करके ब्रिटिश एम्पायर में मिलाना शुरू कर दिया डॉक्टर के तहत रॉबर्ट क्लाइव को इसलिए जाना जाता है ये थे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल ये बंगाल के पहले गवर्नर हैं फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वेलेजली को हम लोग जानते हैं किस लिए सब्सिडरी uh, अलायंस के लिए सब्सिडरी अलायंस सब्सिडरी अलायंस के लिए और हेस्टिंग्स को जानते हैं पहला गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल फर्स्ट ऑफ बंगाल ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हैं इनको हम डॉक्टर सब्सिडरी अलायंस यानी उस पॉलिसी के लिए जानते हैं जिसमें वो भारतीय राजाओं पर अपना अधिकार कर लेते और उन्हें अपने डोमेन में रख लेते थे और इसके इसको सहायक संधि कहते हैं रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर कहते हैं और डलहौजी को हड़प लीते के लिए जानते हैं जिन्होंने सबसे पहले सतारा को और सबसे आखिरी में अवध को अपनी इस पॉलिसी में शामिल कर लिया नेक्स्ट स्टेट द सेक्टर वेयर आर हाइएस्ट अमाउंट ऑफ ब्रिटिश कैपिटल वाज इन्वेस्टेड इनमें से वो क्षेत्र कौन सा है जहां ब्रिटिश इंडिया का सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ था तो आप समझ सकते हैं रेलवे बैंकिंग इंश्योरेंस एंड शिपिंग ये वैसे भी आपको समझ में आ गया होगा इतने सारे सेक्टर्स से। है यहां उन्होंने सबसे ज्यादा अपने पैसे को खर्च किया था और रेलवे उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए लगाई थी ताकि वो बहुत रॉ मटेरियल को सारे पोर्ट्स तक ले जाए और पोर्ट से उसको एक्सपोर्ट करके यहां से इंग्लैंड के लिए भेजा जाए जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से चल रहा था नेक्स्ट विच गवर्नर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी मेड द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर विथ टिपू जब ट्रीटी ऑफ मैंगलोर है ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में साइन हुई थी एंग्लो मैसूर वॉर में साइन हुई थी और उसको साइन किया था लॉर्ड मैकर्टने ने लॉर्ड मैकटने है ना सेकंड विथ टिपू सुल्तान विद टीपू सुल्तान के साथ ये एटीटी असाइन हुई थी न्यू बेंगलोर की टीटी नेक्स्ट वन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स क्रिएटेड बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस एक्ट के द्वारा भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई तो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर पिट जॉन पिट उन्होंने एक एक्ट पास किया था 1784 और उसका पहला प्राइम फंक्शन यही था कि इंडिया में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाए जो कंपनी की एक्टिविटीज पर अपना कंट्रोल करेगा एक बोर्ड कंट्रोल करेगा कोई इंडिविजुअल को कनेक्ट नहीं करेगा कंट्रोल नहीं करेगा तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्टली रिलेटेड टू पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ एटीन रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तो इससे एक तो सुप्रीम कोर्ट बना सुप्रीम कोर्ट दूसरा यहां से एक पोस्ट बनी गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो ये पहली बार पोस्ट 1783 में रेगुलेटिंग एक्ट से बनाई गई और 1833 में जो मोनोपोली है कंपनी की वाज एंडेड खत्म कर दिया गया कंपनी की मोनोपोली को 1833 में और इसमें पोस्ट बनी थी इसको कहते थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो यहां पर गवर्नर जनरल बने थे उनका नाम था विलियम बेंटिंग यहां पर बने थे वॉरन हेस्टिंग्स ओके हालांकि 1830 में कंपनी की मोनोपोली को कम कर दिया गया था लेकिन 1833 में पूरा का पूरा उसको ख़त्म कर दिया गया समाप्त कर दिया गया नेक्स्ट वन द किंगडम ऑफ रंजीत सिंह इंक्लूडेड रंजीत सिंह ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया के रीजन्स में एक बड़ा पावरफुल किंगडम बनाया था और उस किंगडम कहते थे सिख कन्फेडरेशन उस सिख कन्फेडरेशन में उन्होंने जिस रीजन को आज का जो शामिल था उसमें था श्रीनगर श्रीनगर उसमें इंक्लूडेड था और वहां वो छुट्टियाँ बताने के लिए भी आते थे तो वो बहुत पावरफुल किंगडम था जो रंजीत सिंह ने बनाया था सिख कॉन्फेडरेशन नेक्स्ट व्हाट वाज द रीजन फॉर कोटाम्बन रिवोल्ट ये साउथ इंडिया में एक वीर थम्मा कोटाम्बन एक वॉरियर थे इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो डोमिनेंसी है उसको मानने से इंकार कर दिया था दैट इज वाई ही हैड टू फाइट विथ ब्रिटिशर्स इसलिए उनको साउथ इंडिया में बड़े सम्मान से उनका नाम लिया जाता है और ये एटीन सेंचुरी में एटीन सेंचुरी में हुआ था सेवनटीन में उनकी डेथ हुई थी ही रूल्ड अप टू सेवनटीन सिक्सटी टू सेवनटीन में उनकी डेथ हो गई थी उसी साल जिस साल टीपू सुल्तान की हुई थी द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स नहीं एनेक्सेशन ऑफ पंचकुलंदरी थ्रू द डॉक्टर एन ऑफ ले

लॉर्ड रिपन इंट्रोडक्शन ऑफ एल्बर्ट बिल बिल्कुल सही है जॉन लॉरेंस सेटिंग अप ऑफ फेमाइन कमीशन बिल्कुल सही है इन्होंने एक अकाल आयोग का गठन किया था अकाल आयोग अकाल आयोग और इन्हें बनाया था एल्बर्ट बिल इन्होंने एल्बर्ट बिल पास किया था एंड लॉर्ड मियो एनेक्सेशन ऑफ अपर बर्मा नहीं बर्मा पर एनेक्शेसन लॉर्ड मेो के टाइम पर नहीं हुआ था बल्कि डफरिन के टाइम पर हुआ था डफरिन के टाइम पर हुआ तो ये गलत हो गया लॉर्ड डफरिन के टाइम पर लिखा हुआ कोरिनेशन ऑफ डेली दरबार नो इट वॉज ड्यूरिंग हेस्टिंग्स इसको हेस्टिंग्स के टाइम पर हुआ था सॉरी हेस्टिंग्स नहीं हार्डिंग सेकेंड हार्डिंग सेकेंड सेकंड के टाइम पर हुआ था तो ये दोनों ही गलत स्टेटमेंट है इसमें पूछा है आर नॉट करेक्टली तो तीन और चार करेक्टली मैच नहीं है सही आंसर होगा थ्री एंड फोर दिस इज द करेक्ट तो ये याद रखिएगा हिस्ट्री में किसके टाइम पर कौन सी घटना हुई थी ये हमको लगभग लगभग पता होना चाहिए या उसका टेन्यूअर पता होना चाहिए ताकि हम लोग गैस कर पाए कि ये किस समय की घटना है किसी ना किसी एक का तो टेन्युअर पता होगा जब हम उसको मैच कर पाएंगे ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन ब्रिटिश इंडिया द होम चार्जेस वॉज एन इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ विच ऑफ द फॉलोइंग दूट होम चार्जेस फंड्स टू सपोर्ट द इंडियन ऑफिस इन लंडन वेरी गुड फंड्स टू पे सैलरीज एंड पेंशन ऑफ ब्रिटिश पर्सनल इंगेज इन इंडिया फंड्स टू वेगिंग वेजिंग वॉर आउटसाइड इंडिया बाई द ब्रिटिशर्स इन सब की फंडिंग है उससे इसका संबंध था किसका संबंध था ब्रिटिश इंडिया में मतलब ये सारे के सारे इंडियन जो वो थी रेवेन्यू थी उस पर बेस्ड कर दिए गए और इस कारण से इंडिया का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो बहुत चैलेंजिंग हुआ और ये सब डिस्कस किया था दादा भाई नौरोजी ने दादा भाई नौरोजी ने इकोनॉमिकली बहुत चीजें डिस्कस की थी इनको फर्स्ट ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से उनको जानते हैं नेक्स्ट विच मराठा स्टेट वाज द लास्ट टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस ऑफ ब्रिटिश जिन मराठाओं ने सबसे आखिरी में सबसे को एक्सेप्ट किया था उनका नाम था होलकर मराठास होलकर मराठास ऑफ इंदौर इंदौर है ना तो होलकरों का जो रीजन है वो इंदौर था गायकवाड़ का जो रीजन है वो बड़ौदा था सिंधियाओं का जो रीजन था वो ग्वालियर था और भोंसले का जो रीजन था वो नागपुर था तो इंदौर के जो होल्करस थे उन्होंने सबसे आखिरी में सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट किया हु द फॉलोइंग बास फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी एशियाटिक सोसाइटी 1784 में कलकत्ता में बनाई गई थी उसको बनाने वाले थे विलियम जोन्स और एट द टाइम गवर्नर जनरल वाज वारेन हेस्टिंग्स वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे तो करेक्ट आंसर इज विलियम जोन्स नेक्स्ट हु फाउंडेड द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी तो उसके फाउंडर थे मुर्शीद कुली खां इन द बिगिनिंग ऑफ एटीन सेंचुरी ऑलमोस्ट सेवनटीन नाइनटीन के आसपास उन्होंने एक इंडिपेंडेंट बंगाल बनाया था इसमें इंटरेस्टिंग बात यह मुर्शिद जो कुली खां है उनका एक्चुअल नाम सूर्य नारायण मिश्रा था सूर्य नारायण मिश्रा ही वॉज कन्वर्टेड मुस्लिम मुर्शिद कुली खां का एक्चुअल नाम सूर्य नारायण मिश्रा था ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट हु साइन द ट्रिटी ऑफ पुणे एट द थर्टीन जून एटीन सेवनटीन ट्रिटी ऑफ पुणे इनमें से किसने साइन की थी दैट वॉज साइन बाय बाजीराव सेकेंड बाजीराव सेकंड यानी कि जो पेशवा थे पेशवा के साथ पुना की संधि हुई थी क्योंकि पेशवाओं का कैपिटल ही पुना हुआ करता था तो उनके कैपिटल में साइन हुई थी तो पेशवा बाजीराव सेकेंड के टाइम पर हुई थी साइन ए ट्रिटी दैट वज देशन तो दिस बार द क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री एंड द एडवेंट ऑफ़ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया तो भारत में जो यूरोपियन पावर्स आए थे और उस समय के जो राजा रजवाड़े थे उनके बीच में क्या रिलेशन थे किसके साथ किसके कैसे संबंधित थे हाउ द ब्रिटिशर्स गॉट डेवलप्ड दियर फोर्सेज हाउ द डेवलप्ड देअर ट्रेड इन इंडिया ये सब हमने डिस्कस किया है वी विल कीप कंटिन्यू दिस सीरीज़ एंड वी विल कंप्लीट द मैक्सिमम एग्जाम रिलेटेड एम सी क्यूज फ्रॉम मॉडर्न इंडिया तब तक क्लिक कीप स्टडी एंड कीप लिसनिंग एंड बेस्ट अब लग फॉर योर एग्जाम एंड स्टडी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू